देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि किस तरीके से रिटर्न फाइल की जाती है। मैं आपको आज कुछ स्टेप बता रहा हूँ। आज हम लोग GSTR 1 भरेंगे। हम सभी जानते हैं GSTR 1 सेल की रिपोर्ट के लिए होता है और इसको हर महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है। एक अकाउंटेंट का काम सारी एंट्री कर लेने के बाद उसका जो काम होता है वो होती है GST की रिटर्न फाइलिंग करनी। रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है, एक मंथली बेसिस पे और दूसरा क्वार्टरली बेसिस पे। रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है, एक मंथली बेसिस पे और दूसरा क्वार्टरली बेसिस पे। जो 30 दिन की होती है उसे मंथली बोलते हैं और साल में 12 बार जाती है। क्वार्टरली 3 महीने की एक बार होती है। पहली क्वार्टर स्टार्ट होती है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड एंड जैन फेब मार्च फोर्थ। आपको कहाँ जाना है? GST पे आना है। अगर आपको GST की रिटर्न फाइल करनी है तो सबसे पहला आपका जो भी कंडीशन होगी वो आपको GST रिपोर्ट पे आना है। फिर कहाँ जाना है आपको? GST समरी पे जाना है। फिर कहाँ जाना है आपको? GST समरी पे। क्या डेट है? जो डेट है वो डेट डाल दें यहाँ पर जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है वो डाल के ओके कर दें, आ जाएगा। इस काम में गलती नहीं होनी चाहिए आपके बिल्कुल भी। जब डाटा ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा। अभी डाटा हमारा ज़्यादा है तो इस तरीके से हमारे सामने ये वेट कर रहा है, लोडिंग ले रहा है। जब डाटा कम होगा तो फटाफट रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट कह रहा है कोई भी एंट्री नहीं है, खाली क्या हुई है? परचेज हुई है। मैंने यहाँ F2 करा और मैंने यहाँ दिसंबर मंथ ले लिया। कौन सा मंथ ले लिया? दिसंबर। और F2 करके ओके कर दिया। एक्चुअली थोड़ा स्लो प्रोसेस पे चल रहा है क्योंकि डाटा लार्ज होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कम से कम नहीं तो 4 या 5 करोड़ की एंट्री होंगी रफली जो करी गई है डेमो पर्पस के लिए, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखिए 60 लाख रुपए तो टैक्स बन गया। कितनी करोड़ की सेल है? 3 करोड़ 41 लाख रुपये की परचेज ही है। तो हम लोग सभी जानते हैं सेल में से परचेज माइनस होती है तो वहाँ टैक्स आता है, लेकिन हम सेल की IGST से परचेज की IGST माइनस करते हैं, सेल की CGST से SGST, इसमें से ये और हो जाता है। उसके बाद ये सारी अपने आप आ जाती है। उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं? हम GST रिटर्न पे जाते हैं, GSTR 1 पे जाते हैं और अपना मंथ सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारा मंथ होता है। ठीक है, आपकी रिटर्न मंथली तो एंट्री आ जाएगी। कहता है B2B में कितनी एंट्रियाँ शो हो रही हैं? 77 हो रही हैं। इसको एंटर मारो और यहाँ से सारी एंट्रियाँ चेक करो। क्या किसी में कोई रेड कलर का आइकन तो नहीं आ रहा? अगर रेड कलर का आइकन है इसका मतलब इट्स मीन उसमें कोई गलती है। ये हो जाएगा आपका तो आपको कहाँ जाना है? उसके बाद ये कर लेने के बाद आपको कहाँ जाना है? हर्ष क्यों बैठे हो? हर्ष क्यों बैठे हो? हर्ष क्यों बैठे हो? कहाँ पहुँचो आप? यहाँ पर B2C स्मॉल पे आ जाओ। इसमें कितनी एंट्री रखी है? 1। और इसमें वो भी कौन सी एंट्री है? दिल्ली वाली। नेक्स्ट आ जाओ HSN, यहाँ चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है। फिर कहाँ पर जाओ? समरी और डॉक्यूमेंट। कितने बिल बने टोटल? ये होने के बाद आपको आना है अब
जीएसटी रिटर्न। अब जितना आपने काम करा ये कहलाता है डेमो मोड या फिर ऑफलाइन वर्जन। क्या कहलाता है आपका? ऑफलाइन मोड। अब आपको अपना डाटा गवर्नमेंट के पास भेजना है तो आपको तीन तरीके से भेज सकते हो, तीन या चार तरीके से। चार तरीके, पहला जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करो। रिटर्न का मतलब आप गवर्नमेंट को अपना डाटा उठा के गवर्नमेंट को देना है। ई का मतलब होता है इंटरनेट एंड देन रिटर्न भरना। इंटर करोगे कहता है चार तरीके से आप गवर्नमेंट को डाटा दे सकते हो। पहला जेसन फाइल, दूसरा सीएसवी फाइल, तीसरा एस पर गवर्नमेंट टेम्पलेट एंड फोर इज प्लेन फाइल। अगर आपका सीए आपसे कोई फाइल मांगेगा तो आप प्लेन एक्सेल फाइल दोगे। क्या दोगे? प्लेन एक्सेल फाइल मांगता है, ठीक है, वो दिक्कत है। बट अगर वो कहता है देखने के लिए मांगता है तो प्लेन एक्सेल दो, ठीक है। और अगर वो कहता है कि मुझे रिटर्न ही भरनी है आपके डाटा से, तो आप डायरेक्ट जेसन फाइल निकाल के दो, जिसको जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटल नेशन कहा जाता है, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो जो सॉफ्टवेयर आपसे मांगती है, जो फाइल आपसे मांगती है, उस फाइल का एक फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है? वो जेसन फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है वो? जेसन फाइल। कुछ नहीं करना, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। कौन से मंथ है वो मंथ डाल देना है और इस पे क्लिक। कहता फाइल बन के कहाँ पे? मैंने बोला डेस्कटॉप पे आ जाए। और किस पे क्लिक कर दिया? जैसे ही क्लिक करूँगा कहता है चेक एन ट्रांजेक्शन। पहली कंडीशन है चेक करो कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके डाटा में गलती है तो रोक लो, और गलती नहीं है तो आगे बढ़ो। तो रेड कलर का आइकन आती है, बंद तो जाती है, अपलोड भी हो जाती है, बट वो फिर सीख नहीं है ना, अपनी गलती रिजोल्व कर लेंगे ना। हमें तो स्टार्टिंग से ही करना है, सारी एरर चेक करनी जिसमें जीरो एरर है, देन आफ्टर दैट यू पोस्ट इट, अदरवाइज आप जाना मत। कोई एरर मिली? आ जाओ फिर। कोई एरर है? नहीं। फिर कोई एरर है? और आप कहाँ चले जाओ? और बस क्लिक कर दो। अब ये क्या कर रहा है? अपने बैकहेंड पे एक जेसन फाइल बना रहा है, जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल बैकहेंड में तैयार कर रहा है, और वो तैयार होते ही आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। किस नाम से आएगी? जिस नाम से आपका GSTN नंबर है। किस नाम से शो करेगा? जिस नाम से आपका GSTN है। स्माइल कर रहा है, येलो कलर। क्या बता रहा है? फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एट द सी ड्राइव यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप और दिस। आ जाओ, फाइल बन के आ गई ये वाली। अब आपको कुछ नहीं करना, कहाँ जाना है? गूगल पे जाना है, और आपको क्या करना है? लॉगिन करना है। गवर्नमेंट की एक साइट होती है जिस साइट का नाम है www.gst.gov.in। इस पे आके क्या करना है? लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले अपनी कर्म फर्म का जो भी क्या हो, खुल गया। फिर कहाँ जाओ? रिटर्न डैशबोर्ड। फिर पीरियड सिलेक्ट करो, कौन सा पीरियड है। फिर रिटर्न कौन से मंथ की थी, फिर दिसंबर तक की। क्लियर है? हो गया। ये होने के बाद कहाँ चले जाओ? क्लिक करो और क्या कर दो? चूज फाइल। क्या कर दो? चूज फाइल। क्योंकि यहाँ पर जनरेट फाइल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्लास स्टेप होता है। बस फाइल को सिलेक्ट करो और क्लिक करके छोड़ दो। कौन कह रहा है आपसे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गलत कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको कौन सा 17 की मार्च की रिटर्न फाइल करी है मैंने, अभी 28 अप्रैल को।
समझ आ गया, यही प्रोसेस है रिटर्न का। खत्म, डाल दो गाड़ा, खत्म। ये है जी एस टी आर 1, ठीक है, इसको रिटर्न फाइलिंग कहलाता है।